बोल दो मेरे चेहरे पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं अभी बहुत गंदी गंदी दिख रही हूँ। बोल दो। नहीं। शादी में चलोगे आज तुम भी? हाँ? शादी में चलना है तुमको? तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम गंदी हो ना। चलना है? हाँ। दादा तो जाएगा? नहीं जाऊंगी। दादा की नानी के यहाँ है ना शादी, तुमको भी चलना है? हाँ? हाँ, तुमको नहीं ले जाएंगे। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैंने जस्ट अभी हेयर वॉश भी किया है और नहाया भी है। आज इतना लेट मैंने नहाया है क्योंकि मैंने बालों में ना तेल डाला हुआ था और आज ना हमें रात में शादी में जाना है ना, तो मुझे लगा चलो मैं बालों में तेल डाल लेती हूँ और फिर शाम को शादी में जाना ना, तो थोड़ा उसके लिए माहौल टाइट किए हुए थे। और देखो मैं बाहर यहाँ रोड पे बैठी हूँ ना, इसलिए आवाज़ मेरी मुश्किली आप लोग को सुनाई देगी क्योंकि जो रोड वाली आवाज़ है ना वो इतनी ज़्यादा होती है ना कि मेरी आवाज़ दब जाती है। गाइस आज का वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जिसपे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, जिनके भरोसे की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और ऐसा ही ट्रस्ट है मुझे Shop101 ऐप पे, जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड रिसेलिंग ऐप है। इसमें 9 मिलियन से भी ज़्यादा रिसेलर हैं। Shop101 ऐप पे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो और सेल्फ डिपेंड बन सकते हो। इसमें होलसेल प्राइस पे खरीदने और सेलिंग करने के लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। Shop101 ऐप को डाउनलोड करना है और अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, अपने ब्रांड को एक प्यारा सा नाम देना है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी अवेलेबल होंगी, तो आपको अपने मन मुताबिक सिलेक्ट करना है जो भी आपको पसंद हो और अपने फैमिली फ्रेंड्स को व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी आप एक्टिव रहते हो उनको सेंड करना है और इसको बाय करने के लिए इनकरेज करना है। इसी तरह हर सेल में आप मार्जिन ऐड करके पैसा कमा सकते हो। दिन में सिर्फ 2-3 घंटे काम करके आप मंथली 25,000 या फिर उससे भी ज्यादा की इनकम कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे लिंक के थ्रू जाइए और आज ही इस ऐप को डाउनलोड करिए और ओपनिंग बोनस पाइए। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी 7:30 बज रहे हैं, तो वो साड़ी को इग्नोर करिएगा। मेरा कन्फ्यूजन बहुत चल रहा था ना कि मैं उस वाले को पहनूं या इस वाले को पहनूं, बट पहनना मुझे पिंक ही था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ साड़ियाँ लेकर के नहीं आई हूँ ना, और यही 2-3 साड़ियाँ लेकर के आई हूँ, तो इन्हीं में कन्फ्यूजन चल रहा था। बट लास्ट में फिर मैंने ये नेट वाली साड़ी डाल ली और ये पोटली के साथ जम रहा है ना ऐसे, और ये मैंने सेट डाल लिया है, इसको मैंने करवा चौथ पे पहना हुआ था ना, तो बस ऐसे मैं सिंपल से रेडी हुई हूँ। और थोड़ा सा मैंने ना हेयर स्टाइल बना लिया है क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि बस मैं स्ट्रेट करके सिर्फ ऐसे ही खुले रखूँगी, फिर मुझे लगा ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सिंपल लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा राउंड राउंड करके हेयर स्टाइल बना ली है। और अभी फुल लुक मैं आप लोग को वहाँ पहुँच करके दिखाऊँगी, अभी से नहीं, तो अभी भाभी हमारी रेडी हो रही हैं तो इसके बाद चलते हैं और फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा आप लोग से बातें नहीं करूँगी, वहीं चल करके बातें करते हैं क्योंकि आज तो भाई शादी में जा रहे हैं ना, तो मेन वहाँ का ही वीडियो होना चाहिए। बातें तो वैसे भी मैं रोज़ ही करती रहती हूँ। और हाँ, कैसी लग रही हूँ मैं कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अभी तो इतनी सारी मतलब शादी की वीडियो होने वाली है ना कि बहुत सारी वीडियो में रेडी ही रेडी 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 ही होना है, तो आप लोग भी बताते बताते थक जाओगे, बट अभी ये तो पहला वीडियो जाएगा। तो आज से ही शादी की स्टार्टिंग हो गई है, तो ये मेरा शादी में जाने वाला सडन प्लान बना है, पहले ऐसा कुछ प्लानिंग था नहीं। हम लोग आ गए हैं, पीछे आप लोग देख सकते हो मैरिज हॉल में, और हम लोग राम पैलेस में आए हैं। जो लोग अतर्रा के होंगे, बहुत सारे अतर्रा के लोग भी मेरा वीडियो वॉच करते हैं ना, तो राम पैलेस मैरिज हॉल तो जानते ही होंगे। तो ये देखो पीछे अभी हम लोग को अंदर एंटर करना है, तो फिलहाल अभी हम लोग गाड़ी के पास ही खड़े हैं, चलते हैं। और देखो भाभी जी यहाँ पे अपने मायके वाले अवतार पे आ गई है, हाय कर रही है, देखो ससुराल में इनकी आवाज़ नहीं निकलती। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाभी लोग बोलती क्यों नहीं है, मायके पहुँचते देखो भाभी जी भी बोलने लगी, तुम भी हाय कर, देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरा बाबू। तो चलो अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, अभी हम लोग
लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये देखो मेरा फुल लुक, अभी मैं बैक कैमरा से भी आप लोग को दिखा दूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग अंदर आ गए हैं। तो अभी फंक्शन तो बहुत लेट में स्टार्ट होगा ना, और हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे, मतलब भाभी बहुत एक्साइटेड थी ना अपनी मम्मी लोग से मिलने के लिए, तो हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। तो अभी बैठे हैं, इसके बाद फिर जाएंगे बाहर खाना खाने जाएंगे, और जयमाला वगैरह तो फिर बहुत ही रात में होता है ना, तो उसकी तो अभी कोई फ़िलहाल बात ही नहीं है। और अभी हम लोग आ गए हैं खाना खाने, तो सबसे पहले हम लोग डोसा खाएंगे, देन हम लोग मुंगौड़े, गोलगप्पे, टिक्की, चाउमीन ये सब खाएंगे। तो मैं मतलब शादी ब्याह में जाती हूँ ना, तो यही सब खाती हूँ, मेरे बस की नहीं है खाना खाना। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ने यही कांड करते होंगे, और हाँ ये जंक फूड खाने के बाद मिठाई खा लो, पूरी शादी कम्प्लीट हो जाती है। और वैसे भी जो ये दूल्हा अच्छा दूल्हा लोग को पता है चल जाता इसकी ना, तो बात ही अलग होती है। कोई भी लड़की हो जब इस वाले गेटअप में आती है ना, तो सबसे अलग ही दिखती है। दुल्हन की एंट्री भी हो रही है, तो अभी होगा जयमाला वाली रस्म, जो कि शादी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितनी भी दुल्हन के साथ लड़कियां रहती हैं ना, सबसे ज़्यादा जयमाला के लिए एक्साइटेड होती हैं। तो अभी वही फाइनल टाइम आ गया है, और काफ़ी लेट हो गई थी, रात में 12 या 12:30 के समथिंग जयमाला पड़ा था। और आजकल ना ऐसा ही हो रहा है कि कोई भी शादी हो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, और बेचारी ब्राइडल को देखो इतना ज़्यादा हैवी लहंगा था ना कि चलने में भी उनको दिक्कत हो रही थी। और ये सबके साथ होता है, मेरी भी जब शादी हुई थी ना, तो मुझे भी लहंगा में काफ़ी ना दिक्कत हो रही थी, नीचे से संभालने में, पकड़ने में। और पहले के टाइम में ऐसा होता था ना कि दो लड़कियां आजू बाजू से लहंगा संभालती थी, फिर दुल्हन चलती थी। बट अभी तो वो सेल्फ डिपेंड वाला आ गया है ना फैशन, कि दुल्हन खुद अपना लहंगा पकड़ करके चलती है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ज्वेलरी भी इतनी ज़्यादा हैवी रहती है, तो इस वजह से। और बस अभी जयमाला होगा, और जयमाला होने के बाद हम लोग घर भी आ जाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गई है। बट मन नहीं कर रहा था यार आने का, मन कर रहा था ना कि अब इतनी देर तक रुके हैं तो जयमाला भी देख करके ही जाएं, वरना एक बार हम लोग सोच रहे थे कि चलो यार चलते हैं, फिर सोचे नहीं यार अब इतनी देर तक रुके हैं तो जयमाला भी देख करके ही जाते हैं। जयमाला तो हो गया, उसको मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्रंट से भीड़ हो गई थी ना कि वीडियो बनाने का कोई चांस ही नहीं था। और वैसे भी मुझे पता है बहुत लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि जब जयमाला वाली रस्म होती है ना, तो चारों तरफ से लोग खड़े होकर के ना घेर लेते हैं, तो वीडियो बनाने का कोई चांस ही नहीं रहता। वैसे तो हम लोग आगे ही बैठे थे, बट फिर भी नहीं बना पाए थे, तो ठीक है कोई ना, वैसे भी मैं बाद में आप लोग को दिखाई दे रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, इतने दिनों बाद तो शादी में जाने का मौका मिला था, जब से कोरोना आया था ना किसी की शादी में नहीं जा पाए थे, तो वो वाली फीलिंग ना अलग ही थी। और अभी हम लोग भी जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने, तो मैं और भाभी दोनों लोग जा रहे हैं, भाभी की मम्मी और जो भाभी के रिलेशन में है ना कुछ चाची मम्मी बड़ी मम्मी ऐसे टाइप में, तो सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। और इसके बाद हम लोग तुरंत घर निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई है, और मेरे बालों का देखो कबाड़ा निकल गया है, क्योंकि खुले कर रखी थी ना, और मैंने शॉल भी ढक लिया था ना, तो बाल बिगड़ गए थे पूरे। फिर रात के 2:30 बज रहे हैं, मतलब 3 बजने वाले, जस्ट अभी हम लोग घर आ रहे हैं। और कैसा कराऊं या कैसे कैसे
जस्ट अभी हम लोग घर आ रहे हैं, पीछे देखो पूरी रोड आप लोगों को खाली पड़ेगी। और सुमित देखते हैं अभी गेट खुलता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट सब सो गए होंगे, जग तो रहा है, कोई ना कोई जग रहा है। देखिए इधर से खिड़की है ना,